हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू वीडियो मैकेनिक्स। स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो अभी आप जैसे देख रहे हो, मैं रोड पर चल रहा हूँ। इस वीडियो का आपने टाइटल देखा ही होगा, जिसमें मैं अपने बताने वाला हूँ 15 प्रो जो मैंने लिया था अक्टूबर में, उसका रिव्यू। 3 महीने हो चुके हैं चलाए हुए, और कैसा चल रहा है, क्या क्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या सही लग रहा है, वो सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड, शुरू करते हैं। मैंने अपना फ़ोन लिया था आईफोन 15 प्रो जो ये है जो मैं चला रहा हूँ, ये मैंने लिया था अक्टूबर में और US से मंगवाया था। बाकी ये मुझे पड़ा था 1 लाख के करीब का, 256 GB है क्योंकि, एंड ये ब्लू टाइटेनियम इसका कलर है, और ये सब इसकी मेन डिटेल्स हैं। तो ये अगर बात करें इसके रिव्यू की, तो फ़ोन बहुत बढ़िया चल रहा है अब तक, सब कुछ बहुत बढ़िया है इसका, सही है, सिस्टम सारा बढ़िया कुछ है, सब कुछ अच्छा है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आई थिंक इन्होंने सही नहीं करी, कुछ चीज़ें इनकी हर बार अपडेट में ठीक हो जाती हैं, नई नई चीज़ें आ जाती हैं हर अपडेट में, नई नई चीज़ें कुछ ना कुछ आती ही आती हैं, तो वो चीज़ है। और क्या क्या है इसमें, थोड़ा सा आपको मैं कैमरा का टेस्ट भी दिखा दूंगा। जूम वगैरह बहुत बढ़िया है इसके कैमरा के, वो मेन चीज़ें इसकी जो मुझे बहुत बढ़िया लगती है जूम की। एंड जो चीज़ों में मुझे इशू आ रहा है वो क्या है, वो मेन है पहली बात तो थोड़ा सा बैटरी इशू, जो कि हर प्रो फ़ोन में है इनके, थोड़ा सा बैटरी इशू कि भाई बैटरी इतनी ज़्यादा नहीं चलती, या अभी जैसे मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें भी बहुत यूज़ होती है मेरे कैमरा में। एंड 3 महीने में मेरी बैटरी हेल्थ भी 1% नीचे हो चुकी है, मतलब 100 से 99 हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी है 3 महीने। एंड वो मुझे लगता है मेरा यूसेज भी ऐसा है, कैमरा बहुत यूज़ होता है, चार्जिंग बहुत करनी पड़ती है, कैमरा यूज़ चार्जिंग ये सब बहुत होता रहता है, तो इस वजह से ये हुआ है। एंड जो दूसरी चीज़ मुझे लग रही है, थोड़ा सा लैग इसमें है, क्योंकि फ़ोन चलाते हुए होता है, बल्कि ये सबसे टॉप मोस्ट फ़ोन है, बिल्कुल सबसे बढ़िया है, इसके फीचर्स हैं सारी, इसकी चीज़ें नहीं हैं, फिर भी इसमें थोड़ा बहुत लैग तो होता ही है, जो मुझे 11 में नहीं दिखता था वो यहाँ पे थोड़ा बहुत कभी कभार दिख जाता है, बट वो बहुत ही छोटी सी गेम होती है, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये है कैमरा इसका जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये है अल्ट्रा वाइड 0.5, माइक मैं फ़ोन का ही यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने एयरपॉड्स भी लगा रखे हैं, तो आई थिंक फ़ोन का ही मेनली यूज़ होता है इसमें। ये 0.5 में है, ये 1 में है, फिर 2 में ऐसा है, और ये 3x जूम, तो ये हैं सारे इसके जूम जो बढ़िया चलते हैं। ये 1 में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे यहाँ पे खड़े होके, और स्टेबिलिटी तो आईफोन की फेमस है ही। ये 2x और ये 3x, 3x के बाद आगे जाओगे लास्ट में 9x, जो कि वो भी सही होता है। तो जी ये है इसके मेन चीज़ें कैमरा की, और आपको मैंने बताया कि जो मुझे इशू आ रहे हैं, उसके अलावा तो मुझे कोई इशू नहीं आता, कभी कभार कैमरा भी हैंग होता है, वो भी कहने वाली बात नहीं है। 3 कैमरा इसमें है, स्विचिंग करते हुए ट्रांजिशन करते हुए हैंग हो जाता है, और वो इशू भी थोड़ा बहुत फेस होता है। और उसके अलावा फ़ोन में सबसे बढ़िया क्या है, वो तो कैमरा है, तेज़ है, जो चीज़ें करने वाली होती है सारी तेज़ होती हैं, बहुत बड़ा गेमिंग फ़ोन है, गेम्स वगैरह बहुत बढ़िया चलती हैं इसमें स्मूथली, काफ़ी सारी इसमें गेम्स आ रही हैं। नया इसमें फीचर आया है वो अभी iOS 17.4 से आएगा, यूरोप वाला केस एक और है जो यूरोप जीता है एप्पल के अगेंस्ट, जिसमें थर्ड पार्टी ऐप्स भी डाल सकता है कोई भी आईफोन में, तो वो अब पता नहीं है, तो वो यूरोपियन रीजन के लिए, पर मुझे लगता है एक्सप्लोइट होगा और हर जगह चला जाएगा वो। और यही है मेन चीज़ें, ये रिव्यू है सारा, फ़ोन बहुत बढ़िया है, अगर आप अभी भी लेने की सोच रहे हो तो ले सकते हो, पूरे साल इसी का ही रहेगा अभी चर्चा, तो उस सेंस में मेरे लिए फ़ोन बढ़िया है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा बहुत इशू है वो तो आएंगे ही, फ़ोन है क्योंकि ये, अब क्या करें, परफेक्ट चीज़ तो नहीं बनती हमेशा। एंड आपके कैसी राय है, वो राय है वो मुझे आप कमेंट्स में बताओ, बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना वीडियो, मैं थोड़ा सा थक गया यू नो चलते चलते बोलते बोलते, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।